व्हाट्स अप गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो जियो फाइबर का फ्री ट्रायल है एक मंथ का, उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसा मेरा एक्सपीरियंस है एंड टोटल रिव्यू भी देने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे इसी सारे टॉपिक की, साथ साथ में बात करेंगे रिफंड प्रोसीजर की भी। तो वीडियो को पूरा देखना विदाउट स्किपिंग एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मज़ा आएगा, देखते रहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि यार मैंने जो फ्री ट्रायल लिया था वो 1500 रुपीज़ वाला था, ना कि 2500 रुपीज़ वाला। तो 1500 वाले प्लान में आपको क्या क्या देखने मिलता है, 150 Mbps की स्पीड जो कि ट्रूली अनलिमिटेड होती है, 30 डेज़ के लिए वैलिड होती है, एंड उसके अलावा हमें देखने मिल जाती है अनलिमिटेड कॉलिंग। एंड इन दो चीज़ के अलावा हमें ना कोई OTT सब्सक्रिप्शन देखने मिलता है एंड ना हमें किसी भी और तरह के जो सेटअप बॉक्स वगैरह है वो देखने मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं फ्री ट्रायल के कनेक्शन के बारे में। तो इसको लेने के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है वो बता देता हूँ। तो सिंपली आप MyJio की वेबसाइट या एप्लीकेशन पर जा सकते हो, यहाँ पर आपको फाइबर का अलग से कॉलम देखने मिल जाता है एंड उस पर आपको क्लिक कर देना है। दो चीज़ें मांगेंगे, नंबर एंड नाम आपका। उसके बाद आप जैसे ही प्रोसीड करते हो तो आपका एड्रेस, पिन कोड एंड फ़ोन नंबर वगैरह सारी डिटेल्स वो लोग मांग लेते हैं। ये सब करने के बाद में आपको पता लग जाएगा कि आपके एरिया में वायबिलिटी है या नहीं, मतलब आपके एरिया में ये चीज़ लग सकती है या फिर नहीं। इसके अलावा ऑफलाइन मेथड भी एक है कि आप MyJio स्टोर पर जा सकते हो, वहाँ जाकर आप बता सकते हो कि मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में लगवाना है फाइबर को। अगर अवेलेबल होगा तो वो लोग आपको वहीं से फॉर्म फिल करा देंगे एंड वहीं से आपका फाइबर कनेक्शन एक्टिव यानी अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है इंस्टॉलेशन की, एंड इंस्टॉलेशन प्रोसीजर काफ़ी सिंपली बताऊंगा क्योंकि इसको मैं कई बार अलग अलग वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इंस्टॉलेशन के लिए दो बंदे आपके पास जियो से आते हैं जो कि आपके एरिया को थोड़ा सा एलोकेट करते हैं, देखते हैं कि आपके एरिया में DP कहाँ पर लगी हुई है। DP बेसिकली एक बॉक्स होता है जिसके अंदर सारी वायर्स वगैरह इंक्लूडेड होती हैं एंड वही वायर्स से आपके घर तक जो है DP से कनेक्ट किया जाता है इंटरनेट को एंड वही DP आपके घर तक इंटरनेट पहुंचाती है। STP बेसिकली एक छोटा सा बॉक्स होता है जिससे कि आपकी जो मेन राउटर की वायर है वो कनेक्टेड होती है, साथ साथ में STB में वही वायर कनेक्टेड होती है जो कि आपकी DP से आई हुई है। यानी कि जो सर्किट है वो ऐसे काम करता है कि जो DP है वो इंटरनेट फ्लो करती है आपके STB तक एंड STB जो है आपके राउटर तक फ्लो करती है। इस तरीके का टोटल जो है प्रोसीजर होता है। 20 से 25 मिनट के अंदर आपका वायरिंग प्रोसीजर कंप्लीट होगा एंड 15 से 20 मिनट के अंदर आपका राउटर इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा। राउटर इंस्टॉलेशन में क्या ये जाना आपको ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर वर्क आता है हल्का फुल्का एंड वो सॉफ्टवेयर वर्क कंप्लीट होने के बाद में आपका जो राउटर है उसका वाईफाई का पासवर्ड आप चेंज करके उसको यूज़ कर सकते हो। राउटर के बॉक्स के साथ में क्या क्या आता है वो आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली आपको देखने मिलेगा यहाँ पर एक राउटर, एक लैन केबल, एक अडाप्टर, उसके अलावा आपको देखने मिल जाती है एक मैनुअल एंड जो राउटर है उसके साथ में आपको 2-3 केबल्स भी देखने मिल जाती हैं जो कि बेसिकली आपकी DP से कनेक्टेड होती है एंड ऑल ये सारी चीज़ें कम्प्लीटली होती हैं। एंड ये जो बॉक्स है ये पूरा पूरा फ्री ट्रायल का ही बॉक्स होता है एंड ये वापस जाता है जब आप इस फ्री ट्रायल को कैंसिल कराते हो। खैर उस बारे में आगे बात करेंगे। अब 1500 रुपये आपने पे कर दिए थे, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगा वो बता देता हूँ। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID या फिर आप पासपोर्ट वगैरह ऐसा कुछ लगा सकते हो, कोई भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी फ़ोटोग्राफ एंड नाम हो ऐसा आपको डॉक्यूमेंट लगा देना है एंड काफ़ी ईजिली आपको डिजिटली पेमेंट कर देना है। पेमेंट कैश में नहीं होती है, ये चीज़ मैं आपको फिर से बता देता हूँ। नॉर्मली आपको ई पे यानी कि ऑनलाइन पेमेंट ही करनी पड़ेगी, गूगल पे, फ़ोनपे वगैरह। पेमेंट कितनी करनी है तो डेफिनेटली आपको सिर्फ 1500 रुपीज़ करना है, उससे 1 रुपये भी ज़्यादा, 1 रुपये भी कम नहीं करना है एंड इतना सब आपको कर देना है। उसके बाद आपको जब राउटर इंस्टॉलेशन हो जाएगा आपको वाईफाई का पासवर्ड कैसे चेंज करना है इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। काफ़ी एक ईजी प्रोसेस है। सब कुछ इंस्टॉल होने के बाद आपका जो राउटर है कम्प्लीटली चालू हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है, मे बी अराउंड 10-15 मिनट्स और लगेगा उसको कम्प्लीटली चालू हो जाने में एंड नेटवर्क को फ्लो हो जाने में। उसके बाद आपका इंटरनेट चालू हो जाएगा एंड आप MyJio एप्लीकेशन के थ्रू उसको यूज़ कर सकते हो, कम्प्लीटली सेटअप कर सकते हो। कॉलिंग फैसिलिटी भी, जो आपका बंदा इंजीनियर आएगा जियो की तरफ से वही आपकी कॉलिंग भी चालू करवा देगा, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं रिव्यू के बारे में। तो ये सारा तो हो गया कि भाई इंस्टॉल कैसे हो गया, चलो सब कुछ चालू हो गया, उसके बाद आप उसको कैसे यूज़ करते हो, कैसे रिफंड कराते हो, वो सब बताता हूँ। सबसे पहली बात कि आपका जो रिव्यू है वो कैसा रहने वाला है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा था कि मुझे कभी भी नेटवर्क ड्रॉप्स तो देखने नहीं मिले, स्पीड ड्रॉप्स हल्के हल्के कभी कभी देखने मिले थे एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई थी वो थी रेड लाइट ब्लिंकिंग एरर, जिस पर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ, तो उस पर्टिकुलर वीडियो को देख लेना, आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा। एंड यहाँ पर जो है 2-3 प्रॉब्लम्स और आती हैं, जैसे कि आपका राउटर कभी कभी बंद हो जाता है, कभी कभी नो इंटरनेट शो करता है, लेकिन ये बहुत ही मिनिमल केसेस में होता है एंड कई बार ये चीज़ नहीं होती है पॉसिबल।
प्लस पॉइंट्स की बात करते तो यार कंप्लीटली फ्री है, हर चीज़ ही एक प्लस पॉइंट है, लेकिन उसके अलावा भी आपकी जो नेटवर्क है स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी पकड़ेगा, नेटवर्क ड्रॉप्स देखने नहीं मिलेंगे, स्पीड जो है हल्की फुल्की ड्रॉप होगी भी, लेकिन जब वो फुल स्पीड से चलेगा ना तब आपको काफ़ी अच्छी स्पीड देखने मिलेगी। मल्टीपल कनेक्शंस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है एंड ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है। राउटर हल्का फुल्का हीट ज़रूर होता है लेकिन वो 3 से 4 दिन में एक आध बार होता है एंड ऐसा तब होगा जब आप उसको 24/7 चलाओगे। ऐसा मत करना, रात में थोड़ा सा बंद कर देना 2-4 घंटे 5 घंटे के लिए, तो वो हल्का फुल्का फ्रेश हो जाएगा एंड वापस से काम करने लगेगा। कॉलिंग का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था, कॉलिंग में मुझे किसी भी तरह की कोई इश्यूज देखने नहीं मिले, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि आज या कल में चैनल पर आ जाएगा जहां पर मैंने कॉलिंग के एक्सपीरियंस को शेयर किया है। अब आप लोगों को लेना चाहिए या फिर नहीं वो बता देता हूं एंड उसके बाद हम जो है रिफंड प्रोसीजर की बात करेंगे। लेना चाहिए तो बिल्कुल लेना चाहिए यार, बिल्कुल सस्ता प्लान है, एकदम कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, एकदम कम्प्लीटली फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है एंड ये चीज़ मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि जियो फाइबर का फ्री ट्रायल कम्प्लीटली फ्री है, जो आप पैसा देते हो वो आपको पूरा पूरा रिफंड मिलता है। क्या कंडीशंस हैं वो आपको आगे बताता हूँ वीडियो में। लेकिन यार अगर बात करें मेरे एक्सपीरियंस की तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहता है कि एक चीज़ जो कम्प्लीटली फ्री है उसके बाद आपको कई सारी फैसिलिटीज़ भी दे रही है, लाइक वाइज कॉलिंग प्लस राउटर प्लस 150 Mbps जैसी स्पीड, ये सब आपको देखने मिल रहा है, तो यार उसका फ़ायदा उठाना चाहिए आपको। यानी कि एक टोटल कम्प्लीट पैकेज मेरी तरफ से पूरी पूरी हाँ है कि भाई आप इस प्लान को लो, यूज़ करो एंड अपना 1 मंथ फ्री ट्रायल इन्जॉय करो। आफ्टर सेल सर्विस के बारे में एक पॉइंट बोल देता हूँ कि यार इसकी आफ्टर सेल सर्विस से अच्छा कोई आफ्टर सेल नहीं है पूरे के पूरे प्लानट पे। अब वीडियो को एंड करने से पहले बात कर लेते हैं रिफंड स्ट्रक्चर की एंड रिफंड प्रोसीजर की। तो वैसे तो मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है, लेकिन अगर आप इसको रिफंड कराना चाहते हो कम्प्लीटली, जो 1500 रुपये वो आपको पूरा रिफंड चाहिए, तो आपको 25 दिन तक ही इसको यूज़ करना चाहिए एंड 25 दिन बाद आप इसको डिस्कनेक्ट करवा सकते हो। काफ़ी इजी है डिस्कनेक्ट कराना, आपको नंबर देखने मिल जाएगा स्क्रीन पर, इसको आपको कॉल कर देना है, एक दफाए दो दफाए वाली कहानी कंप्लीट कर देनी है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कर लेना एंड उसको बोल देना कि भाई मुझे इसको डिस्कनेक्ट करवाना है, वो वहाँ से आपकी डिस्कनेक्शन क्यूरी रेस करेगा, 102 दिन में आपके लिए पिकअप अवेलेबल हो जाएगा। पिकअप का मतलब होता है कि आपके घर पर एक बंदा आता है जियो की तरफ से, जो कि आपका राउटर उसके साथ में पूरी पूरी एक्सेसरी सब कुछ वापस लेकर जाता है, इसीलिए मेक श्योर कि आप राउटर वगैरह कुछ भी डैमेज ना करो, वो सारा सारा वापस ले जाएगा, साथ साथ में ले जाएगा आपकी अकाउंट डिटेल्स यानी कि आपका अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड जिसके थ्रू आपको आगे रिफंड मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। एक बार पिकअप कंप्लीट हो जाता है फिर कोई भी इशू नहीं है, फिर उसके बाद 5 से 6 दिन के अंदर आपको 500 रुपये रिफंड हो जाएंगे, जो 500 रुपये आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है 1500 में से। उसके अलावा जो 1000 रुपये ना उसको रिफंड होने में हल्का फुल्का टाइम लग जाता है, कभी 10 दिन कभी 20 दिन, लेकिन गाइज बिलीव मी पूरा पूरा पैसा आपका वापस आएगा, कहीं भी आपका 1 रुपये नहीं जाने वाला है। एंड फाइनली यार इतना सिर्फ कह सकता हूँ कि जो रिफंड प्रोसीजर है वो भी काफ़ी ज़्यादा सीमलेस है एंड जो पूरा पूरा जियो फाइबर का ये फ्री ट्रायल है काफ़ी ज़्यादा सीमलेस है, तो इसको यूज़ करो और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।